मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में विभिन्न हिंदुवादी संगठनों द्वारा हाईस्कूल मैदान से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां शहरवासियों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न समाज की ओर से बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में हजारों लोग मौजूद रहे। रामनवमी के अवसर पर पूरा शहर रामलला के रंग में रंगा नजर आया। उत्साह भी ऐसा कि मानो रविवार को बाड़मेर वासियों को अयोध्या वासी होने का एहसास हो रहा था। शहर में जगह जगह राम रथ का समाया कर राम जन्म की बधाइयां दी गई। हाईस्कूल मैदान से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा के प्रारंभ से पूर्व राम रथ पर रखी भगवान श्री राम की तस्वीर के आगे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पंडित की मौजूदगी में विधि विधान से वहां पहुंचे अतिथियों बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, पूर्व यूआईटी चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी, रामनवमी समिति पदाधिकारियों सहित पूर्व विधायक कैलाश चौधरी सहित कई अतिथियों ने भगवान राम की आरती उतारी। आरती के दौरान शोभा यात्रा में शामिल हजारों लोगों के मुंह से निकले भगवान राम के जयकारों से पूरा बाड़मेर गूंज उठा। आरती के पश्चात समिति की ओर से अतिथियों सहित विभिन्न समाज संगठनों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के गले में केसरी या दुपट्टे के साथ साफा पहनाकर उनका मान सम्मान किया गया। हाईस्कूल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर के कई समाजों के गणमान्य लोगों सहित शहरवासी, मातृशक्ति और हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों युवा हाथों में केसरिया ध्वज लिए जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। पूजा अर्चना और स्वागत के इस कार्यक्रम के बाद हाईस्कूल रोड से शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बैंड की मधुर ध्वनि और डीजे की धुन के साथ रवाना हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न समाज संगठन संस्थाओं आदि की 34 झांकियां सम्मिलित हुई। इनमें श्री कृष्ण सेवा समिति की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसमें भारतीय वायुसेना के जाबांज पायलट अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराए जाने के प्रसंग को दिखाया गया। इसके साथ ही मृगुवंशीय समाज की सूर्य पुत्र शनिदेव, आचार्य समाज की बाल लीला, महाकाल ग्रुप की राम द्वारा रावण संहार, खटिक समाज का लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग, जसनाथ एजुकेशन एकेडमी की राम लक्ष्मण, माली समाज की राम दरबार, श्री पीपा क्षत्रिय समाज की बाबा रामदेव, रावणा राजपूत समाज की राम दरबार सहित कई अन्य समाजों द्वारा विभिन्न झांकियां प्रदर्शित की गई। समापन पर समस्त झांकियों के कलाकारों को पुरस्कार दिए गए। वहीं झांकी प्रतियोगिता का परिणाम जल्द समिति की ओर से जारी किया जाएगा। प्रथम तीन स्थान पर आने वाली झांकियों को हनुमान जयंती 19 अप्रैल को हनुमान मंदिर में नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाईस्कूल रोड से शुरू हुई विशाल शोभा यात्रा विश्वकर्मा सर्किल, राय कॉलोनी रोड, तनसिंह सर्किल, कसाईयों का मोहल्ला, पुलिस कोतवाली, स्टेशन रोड, चौटन रोड, प्रताप जी की प्रोल, हमीरपुरा दरबार से होती हुई हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विशाल शोभा यात्रा का समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। विभिन्न संगठनों एवं समाज सेवियों की ओर से शीतल पेय, फलाहार, जलापान आदि की व्यवस्था की गई। गर्मी ज्यादा होने के बावजूद राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। युवाओं ने श्री राम के जयकारों से माहौल को राममय बनाए रखा। हाईस्कूल मैदान में शोभा यात्रा प्रारंभ होने से पहले विक्रम संवत 2076 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। वहीं शोभा यात्रा समापन पर हनुमान मंदिर के आगे कैलेंडर का वितरण किया गया।